तुड़ी एक्स्ट्रा खिलाड़ी इधर क्यों नहीं है दो मुनाफर सागर मालूम लोअर तुड़ी की जानिब से सलामी बल्लेबाज मुनाफ और सागर मैच को शुरू करें अंपायर दोनों ही अंपायर से गुजारिश है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू करें इसके बाद भी राउंड होने बाकी है टाइम पास ना करें दोनों ही टीम से गुजारिश है स्ट्राइक पर है सागर ओपन करेंगे लोअर थ्री की जानिब से नॉन स्ट्राइक पर है मुनाफ बॉलर सैफ एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है इस इलाके के माने जाने ऑलराउंडर के रूप में थेरंगा के जानिब से स्ट्राइक बॉलर सैफ राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं गेंद करेंगे सागर के लिए अभी भी फील्डिंग सज रही है तेलंगा की टाइम पास न करें तेलंगा के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लें सागर और मुनाफ स्ट्राइक पर है सागर नॉन स्ट्राइक पर है मुनाफ महार के कैप्टन से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें पहली गेंद लेकर सेफ राइट और द विकेट से दौड़ना शुरू किया कैच का कॉल जरूर किया था मगर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं फाइन लेग की जानिब खेला गया शॉट स्क्वायर लेग की जानिब खेला गया शॉट एक रन के लिए एक रन की मदद से अपना खाता खोला सागर ने अपनी टीम का खाता खोला स्कोर है एक बॉल एक रन दूसरी गेंद लेकर मुनाफ के लिए सैफ राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं सैफ सैफ गेंदबाजी करेंगे मुनाफ के लिए मुनाफ पहली मरतबा सामना करेंगे सैफ का दौड़ना शुरू किया अच्छी गेंद जोरदार अपील जरूर मगर अंपायर वसीम पर कोई असर नहीं वसीम का इशारा आउट ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद लेग बाय के रूप में मिलने वाला एक रन इस एक रन की मदद से स्कोर दो दो गेंदे दो रन ये मैच दो दो ओवर का खेला जाएगा तीसरी गेंद लेकर सैफ राइट आर्म ओवर द विकेट से गति से बीट करना चाहते थे जानबूझकर स्लो करी थी गेंद मगर कैच हो सकता था और रनआउट का भी करीबी मामला जोरदार अपील जरूर मगर अंपायर का इशारा नॉट आउट चालाकी भरे दो रन की मदद से स्कोर चार तीन गेंदे चार रन बिना कोई नुकसान के लोअर तुड़ील अच्छा एफर्ट लगाया था आसान नहीं था इस कैच को पकड़ना वेल ट्राई साइम एक अच्छे ऑलराउंडर है जिम्बाब्वे की जानिब से मगर इस मरतबा इस टूर्नामेंट में वो तेलंगा की जानिब से खेल रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी सैफ और साइम इस एक रन की मदद से स्कोर पांच रन चार गेंदे हो चुकी है पांचवी गेंद लेकर सैफ मुनाफ के लिए चिकन बहुत ही ऊंचा शॉट बहुत ही बड़ा शॉट कैच पकड़ना चाहते थे अगर कैच पकड़ते तो वड़ा पाव के हकदार थे मुनाफ ने एक अच्छा बैटिंग स्टाइल है मुनाफ का एक मरतबा जोरदार हिट लगाना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में मगर गेंद को कट किया सैफ ने डॉट बॉल की मदद से स्कोर वही रुका हुआ 11 बिना कोई नुकसान के लोअर तुड़ील का स्कोर है 11 अब आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं साइम
साहिब एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत ही अच्छी गेंदे करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। विकेटकीपर काफी अनुभवी, काफी एक्सपीरियंस से भरे पड़े फवाद, इस इलाके के बड़े खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ियों में नाम लिया जाता है फवाद का। एटम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं साहिम, गेंदबाजी करेंगे सागर के लिए। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, कवर का खिलाड़ी डीप कवर पे भेजा है, दौड़ना शुरू किया एटम ओवर द विकेट से सागर के लिए। सागर अंपायर का इशारा वाइड, बैट्समैन के कद से काफी ऊपर थी गेंद, इस वाइड की रूप में मिलने वाला एक रन, इस एक रन की मदद से स्कोर 12 बिना कोई नुकसान। लोअर तुडील साइम काफी शॉर्ट बॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर साइम, फिर से एक मरतबा दिशा से भटकते हुए अंपायर वसीम का इशारा वाइड। अच्छी गेंदे करते हैं मगर अब तक तो कुछ खास नहीं किया साहिब ने, एक अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद है तेलंगा के टीम को। बहुत ही खतरनाक शॉट सागर के बल्ले से निकलता हुआ, एक करारा छक्का। दो शॉट गेंदे ट्राई की थी मगर दोनों ही वाइड, फिर से एक मरतबा स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े शॉट लगाते हुए 6 रनों के लिए। तीसरी गेंद लेकर साइम राइटम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे सागर के लिए। सागर एक आक्रामक मूड में यहां पर लोअर थ्रिल की जानिब से चारहाना बल्लेबाजी, फिर से एक मरतबा जगह बनाई, गेंद उतनी खराब नहीं थी लेकिन शॉट को बहुत बेहतरीन बनाया यहां पर। 6 रनों के लिए 3 गेंदे और 3 छक्के, हैट्रिक 6 लगाए हैं। ज़ेब की तरफ से 200 रुपए का इनाम आया हुआ है। सागर के लिए इनाम, यकीनन इनाम के हकदार जरूर हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, डायरेक्ट थ्रो बहुत ही, लेकिन जिस स्ट्राइक एंड पर करना चाहिए था, कीपर ने जोर से कॉल किया था थ्रो का मगर सही ठिकाने पर थ्रो नहीं। स्कोर 33। बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं सागर, दबाव में जरूर रहेंगे साहिम। पांचवी गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट से अंपायर पर कोई असर नहीं, डॉट बॉल, बाहर से कोई ना चिल्लाए, बाहर से कोई ना चिल्लाए और ग्राउंड पर ना जाए, रन माइनस कर दिए जाएंगे, ग्राउंड के अंदर ना जाए एक्स्ट्रा खिलाड़ी। रिव्यू नहीं है, रिव्यू नहीं है, दो दो ओवर के मैच में रिव्यू नहीं है। आखिरी गेंद लेकर डॉट बॉल, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला है, अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन, इस बात को नोट कर ले दोनों ही टीम के खिलाड़ी। आप इतने अच्छा खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है, बहस ना करें अंपायर से, अपना खेल दिखाएं, अपने बल्ले से बोले।
अच्छी गेंद, अच्छी वापसी साइम द्वारा, 22 के रूप में मिलने वाला एक रन, इस एक रन की मदद से स्कोर 34 रन, 35 रनों का लक्ष्य रखा है। अच्छी बल्ले, श्रीलंका की ओर से साइम का बल्ले से बोलना होगा साइम को, सैफ को, फवाद को अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करना होगा। जीत के लिए 12 गेंदे और 35 रनों की जरूरत, 12 गेंदे और 35 रन। सलामी बल्लेबाज तेलंगा की ओर से सैफ और फवाद, दोनों ही बड़े खिलाड़ी, इस इलाके के काफी नाम है इस इलाके में। फवाद और सैफ का एक अच्छी सलामी जोड़ी, एक मजबूत सलामी जोड़ी। ओपन करेंगे सैफ, तेलंगा की ओर से नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे फवाद। बॉलर नेम प्लीज, जुहेब पहली ओवर लेकर स्ट्राइक बॉलर लोअर तुरिल की जानिब से। जुहेब गेंद करेंगे सैफ के लिए, एक स्पिनर के रूप में गेंदबाजी करते हैं जुहेब, अच्छा टर्न मिला है उन्हें पिछले मैचों में जुहेब को। राइट ऑफ ओवर द विकेट से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं जुहेब, विकेट कीपर विकेटों से काफी नजदीक, मौका नहीं देना चाहते चहलकदमी करने का बल्लेबाज को। जुहेब दौड़ना शुरू किया सैफ के लिए, सैफ सामना करेंगे जुहेब का, बहुत ही अच्छा शॉट जिसकी दरकार थी, वैसी शुरुआत, शानदार शुरुआत तेलंगाना। नुकसान के तेलंगा तीसरी मर्तबा, टोटल 3 रन वाइड और डिक्लेयर के रूप में 2 रन, 22 के रूप में 2 रन, टोटल 3 रन, 15 स्कोर, 15 दो गेंदे 15 रन। डीप फाइन लेग की जानिब जोर से शॉट खेलना चाहते थे मगर अपने आप को कंट्रोल किया, देखा दिशा से भटके हुए हैं गेंदबाज, और वाइड गेंद करी जुहेब ने, और एक खराब फील्डिंग लोअर तुरिल द्वारा। जुहेब तीसरी गेंद लेकर फिर से एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे डीप मिड विकेट की जानिब,
फिर से एक मरतबा खराब फील्डिंग डिक्लेयर के रूप में, दो रन 22 के रूप में, दो रन अंपायर का इशारा, दो रन की मदद से स्कोर 17, तीन गेंदे 17 रन। काफी अच्छा कमबैक किया था मगर फील्डर की सुस्ती की वजह से गेंद डिक्लेयर चली गई। फील्डिंग अच्छी करे, अच्छी फील्डिंग से गेंदबाज का हौसला बुलंद होता है, हौसला बढ़ता है, मगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लोअर तुड़िल की जानिब से। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, अब विकेट कीपिंग के लिए आए रमीज। चौथी गेंद लेकर फिर से एक मरतबा खेला बैक लॉन्ग की जानिब, फिर से एक मरतबा मिस फील्डर, दो रन की मदद से स्कोर 19। धीमे धीमे कदमों से बढ़ती हुई तेलंगा की टीम, चार गेंदे और 19 रन, बिना कोई नुकसान के दबाव जरूर महसूस कर रहे होंगे गेंदबाज और लोअर तुड़िल की टीम। आठ गेंदे और 16 रनों की जरूरत। मैंने पहले ही कहा था दोनों ही हार्ड हिटर हैं। अंपायर का इशारा वाइड, व्हाइट की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 20, 15 रनों की जरूरत, 8 गेंदे 15 रन। खूबसूरत शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े खेला गया शॉट 6 रनों के लिए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल। स्कोर है 26, काफी बड़ा ओवर, फिर से उठाकर खेला है कैच, जरूर बन सकती है और बहुत ही बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच लपका मुना अपने भारी भरकम शरीर से। काबिले तारीफ बल्लेबाज है चिम्बाओ की ओर से, दो रन की कॉल जरूर की है। मिस फील्ड, काफी खराब फील्डिंग, थ्रो लेकिन लाजवाब, अच्छा थ्रो, दो रन के लिए, दो रन की मदद से स्कोर 28, 7 रनों की जरूरत, 5 गेंदे और 7 रनों की जरूरत, 5 गेंदे और 7 रन। काफी लंबा रन अप, राइट ओवर द विकेट से पसंद करते हैं गेंदबाजी करना रमीज, गेंदबाजी करेंगे दूसरी मरतबा साइम के लिए। डीप फाइनल की जानिब खेला गया शॉट, दो रन लेना चाहते थे, मना किया फवाद ने, अभी तेज तर्रार गेंद की थी दूसरी गेंद, लेकिन उतना ही तेज शॉट खेला था,
एक रन की मदद से स्कोर 29 जीत के लिए चार गेंदे और छह रन एक विनिंग शॉट की जरूरत। चार गेंदे और छह रन, तीसरी मरतबा रमीज राइट लगाना चाहते थे, कैच का कॉल और आसान सा कैच, स्ट्राइक रोटेट जरूर किया है। दो गेंदे तीन रन। पहले की खेला है नीचे मौजूद, लेकिन दो रन लेने से नहीं रोकेंगे, अंपायर का इशारा डिक्लेयर के रूप में दो रन स्ट्राइक पर रहेंगे साइम। एक बॉल और एक रनों की जरूरत। अब जरूरी नहीं कि बड़ा शॉट खेलकर ही मैच को जीता है, कुछ चालाकी भी दिखाए, रनिंग तेज रखनी होगी। फील्डर को नजदीक बुलाया है गेंदबाज ने, कप्तान ने, दोनों के ही धड़कनें तेज। एक अच्छा मुकाबला, कांटे की टक्कर देखने मिली, पहली ओवर काफी महंगी जरूर थी, मगर एक अच्छा कमबैक किया रमीज ने, अपने टीम को अच्छा कमबैक दिया है। दोनों ही टीमों पर दबाव बरकरार, अब भी फैसला नहीं हो पाया कि मैच को कौन जीता है। एक बॉल और एक रन, कंपलसरी चेजिंग है, टाई तो हो चुका है, बराबरी कर चुके हैं दोनों ही टीम स्कोर में, इसीलिए कहते हैं एक रन भी बहुत भारी होता है, एक रन भी महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट में। मैच का टर्निंग पॉइंट नो बॉल हो सकता है। एक गेंद और एक रनों की जरूरत, चालाकी भरा सिंगल निकालना होगा, अटैकिंग फील्डिंग दौड़ना शुरू किया, बहुत ही अच्छी गेंद, नो बॉल, फिर से एक मरतबा नो बॉल, वैसे भी मैच जीत लिया है तेलंगाना ने। तेलंगाना को बहुत बहुत मुबारकबाद। Come on, DJ.